नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर की मांडवा पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया के पुत्र जालम चंद उर्फ जाला को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दो नाबालिग को डिटेन कर लिया गया है। कुकावास निवासी जाला को मांडवा थाना पुलिस ने सिरोही जिले के नदिया रोड पिंडवाड़ा से गिरफ्तार किया। साथ ही दो नाबालिग को गुजरात के बनासकांठा स्थित थूर पाटिया से डिटेन किया है। जाला पर लूट मारपीट जैसे करीब एक दर्जन मामले दर्ज है। पुलिस आरोपियों से उन्हें साथियों के ठिकाने की पूछताछ में जुटी है। बता दें कि एक दो दिन पहले ही पुलिस ने झाला के पिता हिस्ट्रीशीटर रनिया बंबूरिया को भी गिरफ्तार किया था और इससे पहले पुलिस इकबाल अपचारी को डिटेन करने सहित रनिया के सात साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चलिए एक नजर 27 अप्रैल के कांड पर भी डाल लेते हैं। 27 अप्रैल को मांडवा थाना पुलिस हिस्ट्रीशीटर रनिया के घर उसे और उसके बेटे झाला को ही पकड़ने गई थी और तब रनिया सहित उसके गैंग के करीब 30 से 35 लोगों ने पुलिस को घेर कर हमला कर डाला। पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए गए और उनसे उनकी पिस्टल तक छीन ली गई। इसमें मांडवा एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे और इसके बाद एसपी के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई जो उदयपुर के आसपास जिलों सहित गुजरात में सर्च अभियान चला रही है। एक माह बाद रनिया को गिरफ्तार किया गया और अब इसके बेटों की तलाश जारी है।